कौन देखूंगी ना। बस कुछ कहना चाहूँ गाने के बारे में, the location is looking very good. अरे मटका ही अपना सर, कहीं बाहर नहीं गए थे, कुछ है ना गोवा लग रहा है ना, लेकिन मटका ही है, सस्ता गोवा। आप लोग देख ही रहे हो यहाँ पे सबको बुला है, चालू है प्रमोशन एंड आउटफिट्स मैंने अपने खुद डिज़ाइन किए हैं, सो आई एम वेयरिंग माय ओन आउटफिट्स एंड फिर आप देख ही सकते हो कि कैसे कैसे हैं क्या क्या है। उसके बाद तो मैं सुसाइड ही कर लूँगी, चाहते हो मैं मर जाऊँ। मैंने एक्टिंग करी कहाँ है म्यूजिक वीडियो में, क्योंकि स्टार किड की कोई एक्टिंग होती नहीं है ना, तो वो कंपैरिजन ही इतना बेकार था। और व्हाट डू वांट टू से अबाउट द इन तरह से आप लोग गाने के लिए आप लोग कुछ किया गया, क्योंकि मैंने काफ़ी बार आपसे पूछा है कि क्या आने वाला है, कभी आपने हमेशा सीक्रेट ही रखा था, इसके पीछे कुछ रीज़न था? क्योंकि जब तक कोई चीज़ आ नहीं रही है उसको पहले बोलने का क्या फ़ायदा, अब जब आ गई तो नाउ यू ऑल कैन से। पहले से ही लिखे हुए हैं, मतलब बहुत आइकॉनिक सॉन्ग था एंड उस टाइम पे भी लिरिक्स यू नो लाइक सो कैची, इतने कैची लिरिक्स उस टाइम के, तो हमने बस थोड़ा बहुत ऐड ऑन किया है, थोड़ा ही कुछ किया है उसमें, ज़्यादा लिरिक्स में छेड़खानी नहीं है, शायद एक पैराग्राफ अलग है, दैट्स इट। 70s में तुम्हारा क्वेश्चन ही समझ आया, लगता है कि बात कुछ पूछो तो क्या लगता है कि 90s 80s का लिरिक्स लग रही है और इसमें रीमेक किया हुआ है वही जो बॉलीवुड बट समथिंग दैट जो चीज़ आइकॉनिक है वो तो 100 साल बाद भी चलेगी, ये सॉन्ग्स इतने आइकॉनिक हैं ये 200 साल बाद भी चलेंगे। और ऐसे कितने म्यूजिक देखने को मिलने वाले हैं आपको? ये तो यार प्रोड्यूसर हो वही सब बता पाएंगे, मेरा बस चले तो मैं हर दिन एक म्यूजिक वीडियो करूँ, पैसा किसे बुरा लगता है। हाँ अभी तो कुछ नहीं है, उसके बारे में यही कि वी ऑल वांटेड टू डू समथिंग क्रिएटिव, कुछ अलग करना था, तो थोड़ा साड़ी पहनी है क्योंकि जीना तमा ने भी साड़ी पहनी थी, बट वी वॉन्टेड उर्फी स्टाइल साड़ी, तो आपको थोड़ा उर्फी स्टाइल आउटफिट देखने को मिल रहा है, काट लिया मेरे लिए, जान दे रहा हूँ मैं तेरे लिए, किसी ने नस नस नहीं काटी यार मेरे लिए, कुछ नहीं शूट ही कर रहे थे, बहुत एक्टिव शूट था, बोरिंग से शूट था यार, इन्होंने मेरे को बैग वैग भी गिफ्ट किया, बहुत स्वीट है यार, क्योंकि राइट्स है ना उनके पास, अब तो खरीदेंगे थोड़ी, जब जहाँ पैसा लगा हुआ है वहीं से बनाएंगे ना पैसा। सोचती नहीं हूँ एंड आई वॉन्ट टू जस्ट बी इन दैट मोमेंट, जब मैं वहाँ पे हूँ तो मैं वहाँ पे 100% देना चाहती हूँ, पर उससे पहले ज़्यादा सोच के मैं इतना टाइम यू नो अपना माइंड फक नहीं करना चाहती हूँ। मैं एक ही बार मिली, शी इज़ एन अमेजिंग सिंगर, मतलब काफ़ी अच्छे तरह से गाया, वॉइस इज ब्यूटीफुल, मेरी वॉइस देखो यहाँ कभी खड़ी नहीं हो पाई, मैं जो बैठी ही रहती है इतनी लेजी है, बट मतलब उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, कि करना ही पड़ेगा आपकी फिल्म, तो तुम नहीं बाकी कैमरे की तरफ से देखेंगे, तुमको वीडियो पर नहीं मिलेगा।